ये देशभक्ति गीत आप सभी ने अपने बचपन से सुना होगा, कभी आपके स्कूल में, कभी आपके कॉलेज में, तो कभी आपके वर्क प्लेस पर, या कभी देशभक्ति यानी आज़ादी या फिर गणतंत्र दिवस पर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इस गीत के असली रचयिता कौन है? क्या आप जानते हैं कि जिसने ये गीत लिखा वो असल ज़िंदगी में एक बैलिस्टर थे और मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं? और आज हमारे इस वीडियो में हम आपको मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा की रचना की, उनके बारे में कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। मोहम्मद इकबाल पेशे से एक बैलिस्टर थे जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना की। आज हम उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें आपको बताने जा रहे हैं। मोहम्मद इकबाल ने अपनी अधिकांश रचनाएं फारसी में की है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये मशहूर गीत इकबाल का ही लिखा हुआ है। कवि, बैलिस्टर और दार्शनिक मोहम्मद इकबाल का जन्म ब्रिटिश भारत में हुआ था। इकबाल के दादा सहज संप्रभु हिंदू कश्मीरी पंडित थे जो बाद में सिलालकोट आकर रहने लगे। फारसी में लिखी इनकी शायरी ईरान और अफगानिस्तान में बहुत प्रसिद्ध है। इन्हें इकबाल लाहौर के नाम से जाना जाता है। इन्होंने इस्लाम के धार्मिक और राजनीतिक दर्शन पर काफी लिखा है। भारत के विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना का विचार सबसे पहले इकबाल ने ही उठाया था। इन्हें पाकिस्तान में राष्ट्र कवि माना जाता है। 1922 में किंग जॉर्ज पंचम ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई। उर्दू और फारसी में इनकी शायरी और आधुनिक काल की सर्वश्रेष्ठ शायरी में गिना जाता है। उन्होंने 12,000 से ज्यादा अशआर कहे जिनमें से 7,000 फारसी में लिखे गए थे। बंगे दारा, बंगे जिब्रिल, जरबे कालिम जैसी रचनाओं से उन्हें खासी शोहरत ही मिली। उन्होंने कहा था, मुल्क शायरों के दिलों में पैदा होकर समृद्ध होता है और उसकी मौत सियासतदान के हाथों में होती है। तो आज आप सभी ने जाना कि आखिर जो गाना हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जो हमारी जबान पर रटा हुआ है, आखिर उसकी रचना किसने की और किस तरह से उन्होंने अपने नाम को ब्रिटिश भारत में भी ऊंचा किया। तो आपको हमारी ये वीडियो आखिर कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।